शहरों में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हर दिन भागते रहते हैं, काम के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब घर पे आते हैं तब पेट्स के साथ जब खेलते हैं तो पूरा स्ट्रेस निकल जाता है। तो लोगों को भी पता चलना चाहिए कि पेट्स के साथ खेलना कितनी बड़ी खुशी की चीज़ है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है कि हम पेट्स को हमेशा ट्रीट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो ऐसी जगह आकर कुछ अच्छा ला सकते हैं, खरीद सकते हैं। ओके, तो आपके घर पे भी पेट है कोई? जी, मेरे पास एक छोटा कुत्ता है। ओके, उसका कुछ नाम शेयर है? उसका नाम, वो एक्चुअली यॉर्कशायर टेरियर है, हम उसको टॉबलर बुलाते हैं। ओके सर, देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी देखा जाए तो कोई कोई वीडियो डाले जाते हैं, कुत्ते पे रंग डाला जाता है उसके पॉलिटेल में, ये नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि वीडियो के लिए। यस, नहीं एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कूल के बच्चे भी यहाँ लाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सेंसिटाइजेशन जो होता है, जो पेट से प्यार होता है, वो दोनों तरफ से अनकंडीशनल होता है, वो इसी उम्र में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सर आज रिकॉर्ड भी बनाया जाए गैदरिंग का, तो लगता है आप क्या हो पाएगा एक रिकॉर्ड? आई थिंक रिकॉर्ड से ज़्यादा ये हो रहा है यार, मुझे खुशी, मुझे इसमें खुशी है। जी बिल्कुल, मेरे यहाँ भी जो आदित्य जी के यहाँ है, मेरे पास एक यॉर्कशायर टेरियर है और चॉकलेट के पीछे उसका नाम रखा है, उसका नाम रखा है मिस्टर फज, और मेरी दोनों बेटियाँ उसको बहुत प्यार करती है, इनफैक्ट मेरी फैमिली उसे मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, और मुझे लगता है ये जो पेट फेड हो रहा है यहाँ, जैसे आदित्य जी कह रहे थे कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम हर शहर में इसे करें और बच्चे आएँ इसके लिए अपने डॉगीज़ के साथ और एक 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 बॉन्ड क्रिएट करें, जैसे हम डॉगी हमारे लिए इतना कुछ करता है, हम उसके लिए कुछ करना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह का अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है या फंक्शन है या इवेंट है ख़ास तौर पर कुत्तों या बिल्लियों या पेट्स के लिए, मुझे लगता है ये बहुत बहुत बेहतरीन इवेंट है, बिकॉज वी ऑल हैव पेट्स, मगर ऐसा कोई ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ सब पेट्स, यू नो, दे कैन हैव अ लिटिल कार्निवल, वी ऑल गो फॉर कार्निवल्स जहाँ हम लोग बहुत मज़ा लेते हैं, बट वाई नॉट समथिंग फॉर एनिमल्स, और आई थॉट पेट फेड इज जस्ट द मोस्ट फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म टू हैव समथिंग लाइक दैट। जी बिल्कुल, एक जब भी मैं घर जाता हूँ तो उन्हीं के साथ मैं वक्त बिताता हूँ। एक का नाम है मैक्सिमस जो लैब्राडोर है, और एक स्ट्रे है उनका नाम है गणपत। तो डॉग्स गिव यू अनकंडीशनल लव, और मेरे ख्याल से दे मेक अस बेटर ह्यूमन बींग्स। तो एक पेट को रखना और पालना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास जगह हो। अगर जगह नहीं है घर पे, या अगर ऐसा मतलब समय नहीं है तुम्हारे पास कुत्तों या पेट्स को पालने के लिए, देन मस्ट नेवर हैव पेट्स, बट इफ़ यू हैव टाइम एंड यू हैव स्पेस, 100% कीप इट। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है, और हर कोई जिसके पास डॉग्स है वो डॉग्स को अपने बच्चे मानते हैं, और जिनको डॉग्स से प्यार नहीं है वो ये समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है एक बहुत अच्छा चीज़ है, जो फाइनली आप अपने डॉग्स को लेके जा सकते हो, उनको दूसरे डॉग्स से मिला सकते हो, उनके लिए इतनी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं। तो एज अ पेट पेरेंट आपको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, हम हमारे बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो खुश रहेंगे। सो हाउ डज़ इट फील लाइक इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है, इतने सारे पेट्स हैं यहाँ पे, दैट टू शॉपिंग भी यहाँ पे हो रही है, तो हाउ डज़ इट फील, आप कितना इन्जॉय कर रही हैं यहाँ पे आके? मैं इन्जॉय कर रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पेट्स ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, और ये दिन तो उनके लिए है कि वो जाए, जो मर्जी करे, ये उनका दिन है तो उनकी मनमानी चलती है। सो आपके पास भी पेट्स है, तो कोई अगर नाम शेयर करना चाहिए आपके पेट्स के नाम या मेमोरीज कोई? एक है क्लोई और दूसरी है जोई, दोनों लड़कियां हैं। मैं हमेशा लड़की डॉगी ही रखने वाली हूँ, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि
मुझे लगता है कि और लोगों को लड़की डॉगी रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई सिर्फ मेल डॉग रखते हैं और जो लड़कियां रह जाती है उनका पता नहीं क्या हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप एक पेट पेरेंट है तो ज़रूर बोलेगा कि हाँ मुझे एक्चुअली लड़की ही चाहिए। हमें एनिमल्स को अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए, या तो अगर वो आपके हो या अगर वो सड़क पे हो, जैसे आप इंसान को अच्छी तरह से ट्रीट करते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप जो रोड पे जानवर हो उनको बुरा ट्रीट कीजिए, उनकी कोई वजह ही नहीं है।